रमजान में घर टीवी भी फिल्म भी देखने नहीं जा सकता ना यार। स्टार्ट सफर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आपके ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और एक हफ्ता ही बचा है रिलीज के लिए, सो कैसा फील कर रहे हैं फील? तो मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ये मेंस्ट्रुएशन और सैनिटरी पैड के बारे में बात नहीं की जाती है, बहुत छुपा के रखा जाता है। तो हमारी जो स्टार्ट था वो बहुत डर में हुआ था, मगर उसके बाद जैसे जैसे सपोर्ट मिला, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और आप यहाँ तक वो लिखे आए हैं, और 3 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं ट्रेलर को और बहुत शेयर कर रहे हैं। देखा तो है ही, और साथ में नीचे जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं तो बड़ा ही दिल खुश हो जाता है कि लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमें इतनी दुआएं दे रहे हैं लोग कि हमने कुछ ऐसा किया, तो बहुत खुश हैं हम लोग। यस, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब खुशी है, एक्चुअली इस वक्त ना मतलब मैं मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस, मतलब नर्वसनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है, खुशी भी है और एंक्शियसनेस भी है, पता नहीं क्या होगा वो वाली फीलिंग भी है, और ये भी दिल चाहता है कि यार हर किसी को फिल्म मज़ा देख के मज़ा आ जाए, पसंद आए, और इंशाल्लाह सब को मतलब हर किसी के लिए फिल्म जो है एक लाभकारी फिल्म हो, प्रोड्यूसर्स के लिए भी, डायरेक्टर के लिए भी और हम एक्टर्स के लिए भी। ये मूवी में आप फुल्लू का रोल निभा रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए और कुछ एक्सपेरिमेंट आपके साइड से किया गया रोल के लिए? कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने वो जो पैड के ऊपर मुझे लेटना पड़ा वो एक अलग किस्म का एक्सपेरिमेंट था, बहुत आपने पोस्टर में देखा, मैं मजाक कर रहा हूँ वो तो बाद में डाला था। चैलेंज जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी, जब सबसे पहले अभिषेक ने 2015 सितंबर के आसपास में मुझे आइडिया सुनाया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और उन्होंने फिर मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी और मुझे बहुत मज़ा आया स्क्रिप्ट पढ़ने में, बड़ी टाइट और इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने लिखी थी, शाहीन इकबाल मियाँ जो फिल्म के राइटर हैं उन्होंने और अभिषेक ने मिलकर उसको डेवलप किया था, बहुत बढ़िया तरीके से लिखी गई थी, और मुझे एक फ़ीमेल पर्सपेक्टिव भी चाहिए था तो मैंने अपनी वाइफ को स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी, उनको भी बहुत पसंद आई, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई ये तो मुझे करना ही है। और चैलेंज के हिसाब से मुझे जो है करने के लिए उसके अंदर चैलेंजिंग कुछ नहीं था, बट जो करना था वो बहुत मज़ेदार था, बहुत इंटेंस था। तो जब हमने शूट किया बहुत कम टाइम में, हमने एक स्टार्ट टू फिनिश इसका शेड्यूल था, 14 दिन में पूरी फिल्म ख़त्म की, तो उस 14 दिन में फुल्लू ही था, और मैं मतलब शूट शुरू होने के 3 दिन पहले मैं उस गाँव में गया था जहाँ पर हमने शूट किया, उस गाँव में जिस घर में हमने जिस घर को फिल्म में मेरा घर बताया गया है उस घर में मैं रहा, वहाँ के लोगों के साथ में मैं काफ़ी घूमा, बातचीत की, गांव में ऐसे अकेले घूमा फिरा, वो टैन, वैसे मैं कोई गोरा चिट्टा नहीं हूँ लेकिन वो गांव का टैन एक अलग टैन होता है, तो वो इख्तियार किया और बहुत मज़ा आया, वहाँ की वहाँ गांव के जो मिलनसार लोग थे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। शहर में वो चीज़ की बहुत कमी महसूस होती है कि वहाँ लोग इतने अपनेपन से मिलते हैं, मुझे जिस गाँव में जिस घर में मैं रह रहा था जिनके घर में वो मेरे लिए शहद तोड़ कर लेके आए, एकदम प्योर, मैंने ज़िंदगी में पहली बार प्योर शहद टेस्ट किया, और एक कटोरे में 4 लोग एक उंगली से मतलब अपनी अपनी उंगलियाँ डाल के खा रहे थे और बहुत मज़ा आया। जितना कौन से डिफिकल्टी फेस किए, कुछ कैसा चैलेंजिंग रहा आपके लिए? नहीं, चैलेंज ऐसा नहीं रहा क्योंकि मेरा खुद जन्म जो है वो यूपी में हुआ है, तो मैं उनकी भाषा और उन लोगों के बीच में बड़ी हुई हूँ और भाषा काफ़ी सुनी हुई थी, लेकिन वो बोल पाने में बहुत अंतर होता है, तो जिस पे मेरी मेहनत थोड़ी लगी और वो मेहनत करवाई गई, शाहीन इकबाल जी हैं जो हमारे राइटर, उन्होंने काफ़ी मेहनत की मुझ पर, हमने वर्कशॉप्स की तो उसमें तैयार किया, बाकी यही था कि छोटी मोटी चीज़ें थी कि जब एक आप एक्टर हो, लड़की हो, तो आप बड़ा अपने ना बॉडी पे चीज़ें लगाते हो और बाल तरह तरह से बनाते हो, तो इस फिल्म में हमने वही चीज़ें कोशिश की हैं, कोशिश नहीं हमने मतलब उनको बिल्कुल साइड उठा के रख दिया कि हमने अपने ऊपर ऐसा कुछ काम नहीं करना, और कैसे लग रहे हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जबकि लड़कियों के लिए, स्क्रीन पे मैं कैसी लग रही हूँ, तो उस चीज़ को निकाल के बिल्कुल भूल ना पड़ा इस फिल्म के लिए कि आप कैसे लग रहे हो। इट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट टू लुक ब्यूटीफुल इन दिस फिल्म, इट वाज इम्पॉर्टेंट टू लुक इन द कैरेक्टर सो दैट पीपल कैन कनेक्ट विद इट। बाकी कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं थी, बाकी हम कुछ दिन के लिए वहाँ गाँव में रहे थे तो उनका उठना बैठना कैसे होता है, किस तरीके से बात करते हैं और क्या एक्सप्रेशंस, वो सब चीज़ें हमने उनके साथ देख के बात करके उनके साथ रह के काफ़ी कुछ सीखने को मिला।
अभी जैसे आपसे जानना चाहूँगा, ये मूवी में आप अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं और अवेयर ये चीज़ के बारे में सभी को मालूम है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो भी पर कहाँ आपने रिसर्च किया होगा, कहाँ पर लैक है, क्या वजह से? नहीं, ये तो पूरे हिंदुस्तान में अभी भी 60% लोग ऐसे हैं जो सैनिटरी नैपकिन को जानते ही नहीं। वो टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे है जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा है, और ऐसा नहीं है कि हमें लोगों ने आगे बताया, वो सर्वे हमने पढ़ा और हम लोग फिर गए, हमने जब रिसर्च करी इस बारे में तो हमें पता लगा कि सैनिटरी नैपकिन का नाम तो छोड़ दो, सैनिटरी पैड अगर किसी आप गांव की औरत को दिखाओगे तो वो पहचान ही नहीं सकती कि किस लिए इस्तेमाल होती है, वो चीज़ क्या है। तो आज हम इंडिपेंडेंस की जैसे आप बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस के बाद 74 ईयर्स हो चुके हैं, बट फिर भी अभी हम लोग इस चीज़ से बहुत दूर हैं, हाइजीन से, सैनिटरी पैड से, मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात आज भी नहीं करते हम, जबकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इम्प्योर चीज़ नहीं है जिसको हम इम्प्योर मानते हैं कि लड़की अचार नहीं छू सकती है, लड़की जो है घर में कुछ जम्मू के अंदर ऐसी भी जगह है जहाँ पे लड़की को अलग थलग रख दिया जाता है। तो ये अगर इम्प्योर है तो इससे फिर अगर ये इम्प्योर है तो हम समाज कैसे आगे बढ़ाएंगे, हम लोगों की जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी? सर आपकी मूवी को भी कैटेगरी मिला है सर्टिफिकेट, तो आप खुश है उससे या? सर बहुत दुखी हैं क्योंकि जिन्होंने ये सर्टिफिकेट दिया वो भी इसी समाज के लोग हैं, तो जहाँ इतना बड़ा टैबू है हिंदुस्तान के अंदर तो उन्होंने भी उस टैबू को समझते हुए ये सर्टिफिकेट दिया है फिल्म को कि भाई इस बारे में बच्चों तक ना मैसेज पहुँचे, मगर एक्चुअल में जो हमारा मुद्दा है वो बच्चों तक ही फिल्म पहुँचाने का, ताकि बचपन में ही लड़का लड़की को पता लग जाए मेंस्ट्रुएशन जैसी कैसी चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है, क्यों होती है, उससे कितना समाज संसार आगे बढ़ता है, तब जाके वो टैबू हटेगा, तभी टैबू हटेगा, टैबू ब्रेक नहीं तो कैसे होगा? जब तक हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, लोगों को अभी भी पर्दे में रखेंगे तो टैबू ब्रेक नहीं होगा। हमारे इंडस्ट्री में और भी और ऑडियंस में भी पहले ही ये मूवी को लेके बहुत ही क्रेज है, स्पेशली दिव्या दत्ता जी ने भी इनके बारे में ट्वीट किया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, पहले से इतना क्रेज है पर तो भी ये सर्टिफिकेट दिया गया है? ये सर्टिफिकेट तो हम लोगों ने पहले ही ले लिया था, काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि हम पिछले साल इस फिल्म को रिलीज़ करने वाले थे अक्टूबर के आसपास, बट नोटबंदी की वजह से हमारे साथ थोड़ी डिफ़िकल्टीज आई थी जिसको लेके हमारी फिल्म डिले हो गई जो अब हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये सर्टिफिकेट जो है वो है तो सही परेशानी का मुद्दा एक, मगर अब उसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम अभी इतने बड़े नहीं हैं कि हम जाके फाइट करें इतने कम मूवमेंट में, इतने कम दिनों में, जब हमारी फिल्म अभी आने वाले और 6-7-8 दिन में रिलीज़ होने वाली है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो रिस्क हमें लेना चाहिए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स इंडिपेंडेंट है, उनके पास इतने फंड्स नहीं होते कि भाई इस फिल्म में कोई अगर डिले भी हो जाती तो लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, कॉर्पोरेट तो है नहीं, तो ये है, तो हमें अब जो है उसी के साथ आगे जाना पड़ेगा। ज्योति मैम, आप बेसिकली पंजाब और तेलुगु मूवी कर चुके हैं, ये आपकी हिंदी मूवी है, तो कोई डिफ़िकल्टीज फेस की है या कुछ? नहीं, डिफ़िकल्टीज़ क्या, इनफैक्ट आसान था क्योंकि तेलुगू तो मेरी अपनी लैंग्वेज नहीं थी, तो वो थोड़ा रट्टा वट्टा मार के करना पड़ता था, हिंदी तो मेरी लैंग्वेज है और मुझे हिंदी बहुत पसंद है, अंग्रेज़ी में जानती हूँ लेकिन मुझे बात करना हिंदी में बहुत पसंद है। आप मेरा कोई भी इंटरव्यू देखोगे तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं हिंदी बात करूँ, तो इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं हिंदी फिल्म्स में भी काम करूँ, तो वो सपना पूरा हुआ और बड़ी आसानी थी। बाकी किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, तेलुगु या पंजाबी, ये उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लैंग्वेज से, मेन ये होता है कि आपको टीम कैसी मिली है, तो कोई बहुत ही अच्छी टीम आपको तेलुगु में भी मिल सकती है तो वो भी आपकी जर्नी आसान हो सकती है, और कोई बहुत बुरी टीम आपको हिंदी में भी मिल सकती है जिनके साथ आपका कनेक्ट ना हो या सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट ना हो, पर आप बस करने को कर रहे हो, तो एक्सपीरियंसेस आई थिंक उस पर डिपेंड करते हैं आपके। मेरा एक्सपीरियंस एक तो सब्जेक्ट और इतनी ब्यूटीफुल टीम, मेरी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और शारिब, तो बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरे लिए। आपके जहाँ देखा जाए तो लैंग्वेज की कोई बैरियर्स तो नहीं रही, साउथ के एक्टर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप किसको देखना चाहेंगे या बॉलीवुड के एक्ट्रेस तेलुगु में मूवी, क्योंकि रिसेंटली अभी काजोल मैम ने भी किया है VIP 2 मूवी, ऐसा कोई आपको एक्ट्रेस देखना हो साउथ के? मुझे ऐसा नहीं है, हम लोग आर्टिस्ट हैं, हम सबको सब जगह जाके काम करना चाहिए, ऐसी कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए कि ये साउथ का स्टार है तो बस ये साउथ में काम करे, ये पंजाबी है तो पंजाबी में करे, ये हिंदी है तो हिंदी में करे, आप इंडिया के हो और आपको इंडिया में जो भी फिल्म्स बनती हैं उसमें अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो ये आपके लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, और करना चाहिए सबको इधर उधर काम, ताकि और मार्केट बढ़े और लोगों में यू नो अवेयरनेस बढ़े चीज़ों को लेके, और इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि अगर जैसे वो साउथ फिल्में बनती हैं या हिंदी फिल्में बनती हैं, नीचे सब टाइटल्स भी आने चाहिए दूसरी लैंग्वेज में, ताकि लोग समझ सकें और ज़्यादा रीच बढ़ सके। इसके बारे में आपका बिल्कुल एग्जैक्टली मैं पूरी तरह से ज्योति से सहमत हूँ कि
आज हम अभी ये साउथ की लैंग्वेज या पंजाबी फिल्म या हिंदी फिल्म, हम अभी लोग इंटरनेशनल जा रहे हैं अभी तो, मतलब जब से इंटरनेट आया है तो दुनिया और छोटी हो गई है। मतलब इरफान खान सर मतलब जुरासिक वर्ल्ड में मतलब मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं, तो ये सब तो चीज़ें मतलब सबको हर जगह पे काम करना चाहिए। जहाँ पे मैं तो चाहता हूँ कि मैं हर लैंग्वेज में एक फिल्म करूँ, मेरी बहुत दिली तमन्ना है। मैंने जब फिल्मिस्तान के दौरान जब मैंने इंटरव्यू दिए थे, मैंने हमेशा बोला था कि मुझे एक फिल्म पंजाबी में करनी है, एक फिल्म बंगाली में करनी है, एक फिल्म मराठी में करनी है। पता नहीं वो कब वो मेरा सपना पूरा होगा, लेकिन मैं ज़रूर करना चाहता हूँ वो। सब फिल्मों की जब ये बात आती है तो एक वर्ड ज़रूर आता है कि ये पैडमैन से बहुत रिलेटेड है, जो क्रेज बहुत बढ़ चुका है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। पैडमैन से रिलेट होके एक्चुअली हम लोगों के लिए तो बहुत पॉजिटिविटी है, क्योंकि अक्षय सर इस ऐसे कंटेंट के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, तो उनकी जो आवाज़ है, जो उनकी रीच है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और हम इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने भी स्टेप उठाया ऐसी फिल्में बनाने का कि लोगों तक वो पहुँचे, क्योंकि हम लोग शायद हो सकता है कहीं ना कहीं हम रह जाएंगे, क्योंकि वो चाहे बजट इशू हो, चाहे वो हमारा टेक्निकल कोई भी इशू हो, मगर जो उनका है वो एकदम ऑल ओवर ग्लोब उस चीज़ को फैला सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है वो बना रहे हैं फिल्म, मगर और फिल्में बननी चाहिए हम तो कहेंगे। और जबकि मैंने सुना भी और भी दो तीन फिल्में और भी हैं अक्षय सर के अलावा, जो कि ऑलरेडी इसी सब्जेक्ट पे बेस्ड, इसी सब्जेक्ट के ऊपर। सर एक ट्रिक, अलग थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन है अगर आप देना चाहिए। अभी रिसेंटली मूवी राबता रिलीज होने वाली है, तो उस पर मागा धीरा ने केस किया है कि उनका स्टोरी लाइनअप सिमिलर है एंड मोमेंट पर। करेक्ट। आपकी भी मूवी रिलीज होने वाली है, और अगर पैडमैन अगर आपके ऊपर एंड मोमेंट पे केस करता है तो आपका क्या रवैया होगा? हमारा रवैया होगा कि हम उनको सबसे पहले तो ये सजेस्ट करेंगे कि आप हमारी फिल्म देखिए, हमारी फिल्म देख के उसके अंदर उनको सारे जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी फिल्म और पैडमैन का कोई रिलेशन नहीं है। मगाधीरा पहले रिलीज हो चुकी थी और राबता उसके बाद रिलीज हो रही है। ऐसे ही है जो हमारी फिल्म है फुल्लू, वो 2015 में हम लोग रजिस्टर्ड कर चुके थे अपनी स्टोरी को, और 2016 में कंप्लीट कर चुके थे। अक्षय सर की अनाउंसमेंट 2017 में आज हुई है, जब हमें सेंसर लिए भी 8 महीने हो चुके थे जब उनकी फिल्म अनाउंस हुई है। अनाउंसमेंट की बात करूँ, शूटिंग तो बहुत ही दूर की बात है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो मतलब कोई हमें हार्म करेंगे, आई डोंट थिंक सो। या हम में से आई थिंक मैं उनको ये मैसेज दूंगा, या वो यही चाहूँगा कि वो हमारी फिल्म देखें पहले, और अगर तब उनको कुछ ऑब्जेक्शन लगता है तो फिर बात एक अलग है, मगर ऐसा कुछ है नहीं हमारी फिल्म का, कहानी का कोई उनसे लेना देना नहीं है। जिस तरह के इनफैक्ट वो एक इंस्पायरिंग एक्टर और बहुत अच्छे इंसान है वो, उन्होंने इतने सालों में जनता को इतना मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, हमें लगता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट वो खुश होंगे कि इस तरीके से अवेयरनेस वाली फिल्में बन रही हैं, और वो तो चाहेंगे और बने। सर जैसे देखा जाए तो गाँव में अभी भी सैनिटरी नैपकिन बहुत कम यूज़ किया जाता है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने GST लागू कर दिया है, तो आपको लगता है वो लागू करना चाहिए था क्योंकि और वो टैक्स फ्री होना चाहिए? नहीं, लागू तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंटर नैपकिन तो फ्री में बांटना भी चाहिए, और गवर्नमेंट बांट भी रही है, ऐसा नहीं है, मगर वो भी कहां कहां तक जाए। अभी बस मुद्दा यही है कि हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट उठ के थोड़ा और एफर्ट्स करे, थोड़ा और आगे बढ़े, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर सेंटर नैपकिन कोई जानता नहीं है। तो GST का मुद्दा तो तब आएगा जब वो इस्तेमाल करेंगे, अगर वो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो GST हो या फ्री हो उनका कोई लेना देना नहीं। तो एटलीस्ट उनको सबसे पहले हमें अवेयर करना चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, अगर उनको अवेयर करेंगे तो वो इस्तेमाल करेंगे, तब उनको महंगाई सस्ताई फिर पता लगेगी उस चीज़ की। सो मेन मैसेज सर क्या देना चाहिए फुल्लू के थ्रू ऑडियंस को? फुल्लू के थ्रू जो हमने मैसेज देने की कोशिश की है वो यही है कि जो टैबू सैनिटरी पैड्स के ऊपर, पीरियड्स के ऊपर, महावारी के ऊपर जो लगाया गया है सोसाइटी ने, उसे हटाना बहुत ज़रूरी है। उसे जो इतने सारे पर्दों में ढांक के रखा गया है, उन पर्दों को हटाना बहुत ज़रूरी है, और हमने अपनी तरफ से एक छोटी कोशिश वही की है कि हम उसकी अवेयरनेस जितने ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाएँ। और फुल्लू का सबसे बड़ा मैसेज यही है, 16 जून को फिल्म रिलीज़ हो रही है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपको देना चाहता हूँ कि 16 जून को फिल्म रिलीज़ हो रही है, और प्लीज़ 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 फुल्लू ज़रूर देखिएगा। ज्योति मैम, 16 जून को फिल्म रिलीज हो रही है, और ट्रेलर देखें, जिन्होंने नहीं देखा है आई एम श्योर आप लोग बहुत पसंद करेंगे, और आप लोग फिल्म भी ज़रूर देखने जाएं, और जिनको हो सके साथ लेके जाएं, ताकि अवेयरनेस जितनी ज़्यादा हो सके इस मुद्दे को लेके वो ज़्यादा हो। और मेरा मैसेज ये है कि
इसको ज़्यादा ऐसा ना समझे कि हम लोग हम इस पिक्चर के थ्रू लोगों को बहुत ज़्यादा सिखाना चाह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इसके अंदर मसाला भी है, इसके अंदर रोमांस भी है, इंटरटेनमेंट भी है। एक इंटरटेनमेंट के थ्रू हमने एक मैसेज देने की कोशिश करी है, तो उसको इंजॉय करिए और फुल्लू की राइड को इंजॉय करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।